यह लड़की अंडा खा रही है भाई, लेकिन अचानक थप्पड़ मार दिया। मेरे छोटे भाई की धमकी का सामना, लड़की डर गई और पल भर में रो पड़ी। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते, जब यह लड़की छोटी थी, अकेले बड़े भेड़िए कुत्तों के समूह का सामना करा। रंग बिल्कुल नहीं बदलता, बस एक चॉपस्टिक। उन्हें हल किया, उसका नाम बोआ है। बचपन से ही रहस्यमय संस्था द्वारा रूपांतरित किया जा रहा है। उसके पास न केवल एक सुपर आईक्यू है, मन से भी वस्तुओं को नियंत्रित। बोआ संगठन में है क्योंकि वो बहुत मजबूत है। संगठन नियंत्रण से बाहर होने से डरता है, उसे नष्ट करने के लिए तैयार। लेकिन बोआ जल्दी आउट हो गए। आयोजक ने एक पेज का पीछा किया, परिणाम अभी भी पकड़ा नहीं गया है। वो एक खेत के पास गिर गई। 10 साल बीत चुके हैं। बोआ को एक दयालु किसान जोड़े ने गोद लिया था। वो इस समय वो साधारण किसान की लड़की बन गई। माँ बीमार है, याददाश्त धीरे धीरे खराब हो रही है, पर वो आज भी याद है वो प्यारी सी बेटी। हाल के वर्षों में खेत की दक्षता नहीं है, उनका परिवार अब अपनी माँ को नहीं देख सकता, और लगता है बोआ भी भूल गए हैं क्या हुआ था जब मैं छोटा था। केवल कभी कभार ही हिंसक संवाद करेंगे। डॉक्टर को दिखाने के लिए, पैसे कमाने के लिए बोआ ने टीवी गायन प्रतियोगिता में लिया भाग, क्योंकि गुवानजुन के पास 500 मिलियन बोनस होंगे। मैंने आसानी से फाइनल में जगह बनाई, लेकिन यह संगठन को भी बनाता है। डॉक्टर बाई जो उसे ढूंढ रही थी मिल गई। जाओ और बोआ को वापस लाओ, पहले देख रहे हैं बोआ जिसने एक बार अंडा खाया। खोजो ने उससे पूछा, क्या आप अभी भी खुद को पहचानते हैं? मजबूर लग रहा था, ऐसा लगता है कि आप इसे बिल्कुल भी नहीं पहचानते हैं। खोजो सोचता है कि वो नाटक कर रही है। अचानक थप्पड़ मारा, बोआ डर गई। उसने होजो को खाली देखा। मैं इतना डर गई, रोने लगी। तभी होजो को एहसास हुआ, एक बार एक चुड़ैल, वास्तव में भूलने की बीमारी। बोआ घर आ रही है, अपने माता पिता के साथ एसपी का खेल देखा। लेकिन मेरे पिता बहुत खुश नहीं है, क्योंकि जब बोआ कला का प्रदर्शन कर रही थी, माइक्रोफोन को हवा में तैरने दें, पापा जानते हैं ये जादू नहीं है। लेकिन जब वो एक बच्ची थी, तब से उसके पास जो महाशक्तियाँ थी, उसे डर था कि उसकी बेटी को बुरे लोग उठा लेंगे। हिंसक सिर पास, बोआ को फिर से जगाने दो। जब वो कमरे से बाहर निकली, एक पल में बंदूक मिल गई। सिर दबाया, उसकी सबसे अच्छी दोस्त ने भी एक दूसरे को जबरदस्ती किया। एक चाकू वाला आदमी निकला, उसने बोआ से पूछा कि क्या वो डायन है। यह पता चला है कि वे एक रहस्यमय संगठन के सदस्य हैं। बोआ समझ आती रहती है, मैं वो व्यक्ति हूँ जिसे वे ढूंढ रहे हैं, पर तुम लोग नहीं सुनते। अधीनस्थों को सीधे जाने दें। मैंने अपनी प्रेमिका की गर्दन पर चाकू से वार किया। बोआ इस समय, उसकी आंखें तुरंत बदल गईं। उसने छीन लिया, एक बार में दो शॉट, तीन शॉट। उसने एक को गोली मार दी, पहले की तरह ही, पूरी तरह से अलग। होजो इस समय दिखाई दिया, उसने बोआ को चेतावनी दी, यदि आप उनका पालन नहीं करते हैं। होजो ने यह भी कहा कि उनके सिर में चोट लगी है। लेकिन बोआ इस समय पर फिर भी कुछ याद नहीं आता। लेकिन के माता पिता के लिए बोआ केवल उनका अनुसरण कर सकती है। संगठन के प्रायोगिक आधार पर आया, उसे एक कुर्सी में बंद कर दिया गया था। बोआ इस समय बेबसी भरी आंखें। इस समय के बाद से डॉक्टर दिखाई दिया, वो इस दिन के आने का इंतजार कर रही है। लेकिन बोआ को अभी भी कुछ याद नहीं है। उसके बाद फिर बोआ की आंखें तुरंत बदल गईं। उसे सब कुछ याद आता है। पता चला कि संगठन ने उसका पीछा करना जारी नहीं रखा, इस ग्रेट कारक परिवर्तन के कारण है, उनके पदार्थ को इंजेक्ट करने के लिए। यदि आप इंजेक्शन नहीं लगाते हैं, खुद को मार डालेंगे। लेकिन बोआ अलग है, 10 साल जिंदा। यह डॉक्टर बाई को बहुत उत्साहित करता है, क्योंकि बोआ उसका सफल प्रयोग है। उसे शीर्ष पर लौटने के लिए यह भी है डॉक्टर बाई, महाशक्तियों को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त साधन। बोआ जो नीचे से ठीक हो सकती है, पहले से अलग लगता है। जब डॉक्टर बाई ने देखा कि कुछ गड़बड़ है, बहुत देर हो चुकी है। लड़की ने थप्पड़ मारा, मैं एक सुपर पावर व्यक्ति को गोली मारो। उसे रोकने के लिए डॉक्टर बाई ने अपने अधीनस्थों को शीघ्र गैस छोड़ने दिया। सुपर शक्तियों के साथ बोआ सीधे उसके पीछे आ गया। बोआ ने डॉक्टर बाई को वो सब कुछ बताया जो वो वास्तव में चाहते थे। यह पता चला है कि उसने अपनी याददाश्त कभी नहीं खोई। डॉक्टर ने बोआ को बहुत पहले नहीं बताया।
उसको दिमागी बीमारी है। एक महीने से भी कम समय तक जीवित रह सकते हैं, हालांकि इन वर्षों, लेकिन कोई सुराग नहीं है। बिल्कुल नहीं, वो केवल टीवी शो का उपयोग कर सकती है। महाशक्तियों का प्रदर्शन जानबूझकर उजागर किया गया, उन्हें खुद को खोजने दें। डॉक्टर बाई ने महसूस किया कि बोआ भयानक था। बोआ ने हाथ उठाया और गोली मार दी, उसका पैर तोड़ दिया और उससे सूत्र के बारे में पूछा। जब बोआ ने घायल डॉक्टर बाई को घसीटा, जब मारक लेने जा रहे हो खोजो एक पंच में दीवार में जाकर लगी। खोजो का कहना है कि वो मजबूत है, अगला सेकंड हो सकता है। बोआ ने उसे एक हाथ से उठाया, दीवार पर गिरे। खोजो विरोध करना चाहता है, लेकिन सीधे जमीन पर फेंक दिया गया। वो खड़ा हो गया, बोआ की टांग पकड़ी, पलटवार शुरू करें, लेकिन उसकी गति स्पष्ट रूप से बोआ जितनी तेज नहीं है। हालांकि यह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मैं बोआ को बिल्कुल भी नहीं छू सकता। इस समय बोआ ने होजो को पकड़ लिया, सीधे दरवाजे पर फेंक दिया। वे बिल्कुल समान स्तर पर नहीं है। बोआ को अभी अभी थप्पड़ मारा गया था, होजो अभी भी वापस लड़ना चाहता है, लेकिन मुझे बोआ ने लात मारी। जमीन पर बंदूक बोआ के हाथों में उड़ गया, उसने डॉक्टर बाई को गोली मार दी जो बचने वाली थी। जब वो पलटती है, होजो के पास बंदूक है, उसके सिर की ओर इशारा करते हुए, लेकिन होजो ट्रिगर नहीं खींच सका। वो बोआ की महाशक्तियों द्वारा नियंत्रित था, उसे बोआ ने गोली मारी दी और ले गई। बोआ को भी मिली दवा, अस्पताल आया, अस्पताल के बिस्तर को देख रही माँ। बोआ ने निकाली खास दवा, यह पता चला है कि यह दवा न केवल खुद को बचा सकती है, यह माता के मनोभ्रंश का भी उपचार कर सकता है। अगर मैं आपको एक सुपर पावर दूं, क्या चाहते हो तुम? अगर यह बादल पर है। जूनियर हाई स्कूल।